रोल्ड गोल्ड में होता है तो याद रखिए 90% तांबा और 10% एल्यूमिनियम। फिर अपना डाउन विधि द्वारा सोडियम क्लोराइड से कौन सी गैस बनती है, तो याद रखिए क्लोरीन। अगला है चीजली साल्ट पीटर किसका इश्क है, तो याद रखिए सोडियम का। अगला है फिलासफर वूल किस यौगिक को कहते हैं, तो याद रखिए जिंक ऑक्साइड। अगला है अमीटर का प्रतिरोध संट के प्रतिरोध से कम है होता है। अगला है आंसू गैस का रासायनिक नाम है, तो याद रखिए क्लोरो एसीटोफेनोन। अगला है परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मात्रक है, तो याद रखिए कार्बन 12, कार्बन 12। एलपीजी गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है, तो याद रखिए एथाइल मार्केप्टन। अगला है कठिन परिश्रम के पश्चात पेशियों में थकावट क्यों होती है, तो पेशियों में लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा होने के कारण। अगला है मनुष्य में टिटनेस का कारण है, तो जीवाणु। अगला है कौन ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग उतना ही समय लेता है जितना कि पृथ्वी, तो याद रखिए मंगल ग्रह है। गार्डन पी हाइब्रिडाइजेशन से कौन वैज्ञानिक संबंधित है, तो याद रखिए ग्रेगर मेंडल। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लोकप्रिय व्यावसायिक नाम है, शुष्क बर्फ। अगला है किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, तो याद रखिए विटामिन डी को। अगला है किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय रहता है, केंचुआ के प्लाज्मा में। अगला है लोहे में जंग रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जस्ता का। अगला है क्रिक सिल्वर कहीं जाने वाली धातु है, पारा। अगला है आतिशबाजी के जलने से हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो याद रखिए वेरियम के कारण। अगला है वारानाबकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का उपयोग किसके रूप में क्या क्या करने के लिए किया जाता है, मंदक के रूप में न्यूट्रॉनों की गति धीमी करने के लिए। अगला है मानव शरीर में संक्रमण रोकने में सहायता करने वाला विटामिन है, विटामिन ए। बारूद किस किस का मिश्रण होता है, तो याद रखिए नाइट्रो सल्फर चारकोल की। अगला है मच्छर वाहित प्रमुख रोग है, तो याद रखिए डेंगू ज्वार मलेरिया फाइलेरियासिस। अगला है सभी सूक्ष्म जीवियों में सबसे अधिक अनुकूलनशील तथा विविधतापूर्ण है, तो याद रखिए बैक्टीरिया। अगला है किस विटामिन की हीनता से शाम को और रात्रि में मंद दृष्टि हो जाती है, तो याद रखिए विटामिन ए की हीनता से। अगला है मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन उत्पादित है, पीयूष। अगला है कोबाल्ट ऑक्साइड कांच का कौन सा रंग प्रदान करता है, गहरा नीला। अगला है ग्लूकोज से एथिल एल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, जाइमेज का। अगला है कैल्सिफ्रॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो याद रखिए विटामिन डी टू का। अगला है क्लोरोमाइसिटिन का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है, तो यह टाइफाइड के उपचार के लिए। अगला है फिलाग्गा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो याद रखिए विटामिन B5 की कमी से। अगला है पृथ्वी के गुरुत्व से निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम विक्षेपण वेग कितना है, तो याद रखिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला है कौन अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है, तो याद रखिए लैक्टिक अम्ल। अगला है फिटकरी गंदे जल पानी को किस प्रकार प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है, तो उपचयन द्वारा। अगला चंद्रयान 1 का विक्षेपण कहाँ से किया गया था, तो सतीश धवन विक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। अगला है शरीर में किसी की मात्रा बढ़ जाने पर हृदय रोग होने का खतरा रहता है, कोलेस्ट्रॉल। अगला है चंद्रयान 1 को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया, PSLV C11 से। अगला है आम की संकर प्रजाति H39 जिसका गूदा लाल रंग का आकर्षक है, उच्च TSS अधिक कैरोटीनॉइड्स नियमित फलन स्वभाव एंथिक किनाज सहिष्णु और बौना पौधा स्वभाव के गुण रखने वाली नई संकर विकसित प्रजाति जो किन दो प्रजातियों क्रॉस है, तो याद रखिए आम्रपाली और X वनराज, आम्रपाली इंटू वनराज।
अरहर की जी टी एच फर्स्ट प्रथम संकर किस्म गुजरात राज्य की पहचान में थोक की गई है, आधारित है तो सी एम एस बेस्ड हाइब्रिड से। अगला है सरसों की सी एम एस आधारित संकर प्रजाति अच्छे उपज वाली क्रांति किस्म से अधिक उपज देर वाई दशाएं हेतु एन आर सी एम भरतपुर द्वारा विकसित की गई, तो याद रखिए एन आर सी एच बी 506 मोस्टर्ड। अगला सूरजमुखी की एक नई संकर किस्म रबी तथा एवं ग्रीष्म खेती हेतु देश के विभिन्न सरसों उत्पादक क्षेत्रों के लिए विकसित की गई है, तो याद रखिए डी आर एस एच फर्स्ट सनफ्लावर। अगला है कुसुम की प्रथम सी एम एस आधारित संकर प्रजाति देश के कुसुम उत्पादक क्षेत्रों के लिए नई विकसित की गई है, जो था रोधी माहो मऊ सहिष्णु 19% उच्च बीज उपज एवं 14% अधिक तेल उत्पादन में अधिक गुणों से भरपूर है, तो याद रखिए एम आर एस ए 521 सैफलोवन। अगला है सोयाबीन की नई विकसित प्रजाति पिताब सोया 2 ताम्स 98-21 महाराष्ट्र के विदर्भ में ये उत्तर पूर्वी दक्षिण क्षेत्र में। अगली नई विकसित प्रजातियां वसुंधरा GS99 GG8 GG 16 GTG 38 भी रिलीज की गई है, वे किस तिलहन फसलों की है, तो मूंगफली की। अगला प्याज की निर्यात हेतु प्रजातियां माय मर्सिडीज कोगर लिंडा विस्टा जो सितंबर से फरवरी में बुआई योग्य रहती हैं किस रंग की हैं, तो येलो ओनियन वेरिटीज वेराइटीज। अगला है तिबीर 1% WP इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 के तहत विकसित की गई हैं, जो अंडी उकड़ा जड़ सड़क रोकने अरहन मिर्च तिली दलहन एवं लोबिया में प्रयोग किया जाता है, वह है तो ये जीव कीटनाशी। अगला है हमारा खेती इंडियन फार्मिंग खेती फल फूल कृषि चयनिका तथा इंडियन हॉर्टिकल्चर पत्रिका नियमित प्रकाशित की जाती है ICAR नई दिल्ली द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा। अगला है जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है, हाइड्रोजन। अगला है नाइट्रोस गैस लेटमस की प्रति कैसी होती है, उदासीन। अगला है न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, कैडमियम की छड़ों का। अगला एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोग्राम है, 1 मीटर लंबाई में जीवाणु की संख्या कितनी है, 106 होगी। अगला कृतकार शून्य कब होता है, तो जब जल और विस्थापन परस्पर लंबवत दिशा में होते हैं। अगला एक स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी की गति सामान्यतः कितनी होती है, 70 से 80 प्रति मिनट। अगला क्वासियोर बीमारी खुराक में किसकी अधिक अत्यधिक कमी के कारण हो जाता है, प्रोटीन की अत्यधिक कमी के कारण। अगला है पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो याद रखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला है हरे पौधे में पोटेशियम किस रूप में होता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में। अगला है दो या दो से अधिक फसलों के बीजों को आपस में मिलाकर बोना है जिसमें कतार पंक्ति अनुपात या लगाव दूरी ना हो कहीं कही जाती है, तो याद रखिए मिश्रित सस्यन। अगला है दो या दो से अधिक फसलों को बगैर बीज मिलाकर एक साथ उगाना जिसमें फसलों का पंक्ति अनुपात रखा जाए, कहा जाता है सह फसली पद्धति। अगला है दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाना जिसमें विभिन्न पट्टियां काफी दूर पर या चौड़ी हो लेकिन फसलें काफी तंग हो और स्वतंत्र खेती की जाए और सस्यन दृष्टि से सह संबंध रखें, ऐसी सस्यन पद्धति कही जाती है, तो याद रखे पट्टीदार अंतरावर्ती सस्यन। अगला है किसी खड़ी फसल में कटाई से पूर्व फूल आने के बाद आगामी फसल का रोपण करना जो रिले रेस का उल्टा हो, पहली फसल जमीन को दूसरी फसल हेतु छोड़ ही रही है, वो कहा जाता है तो इसे कहते हैं रिले इंटरक्रॉपिंग। अगला है अंतर्वर्ती सस्यन पद्धति में आदर्श LER लैंड इक्वालवेंट रेशियो का या अंतर्राष्ट्रीय LER मान होना चाहिए ताकि वह पद्धति लाभ प्रद हो, तो 1.4 अथवा इससे अधिक LER मान। अगला केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो शिमला हिमाचल प्रदेश।
अगला है आलू के पौधे तनापत्ति के निकोसिस रोग जिसका प्रसार मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में अधिकांश देखा जाता है, जिसका कारक है वायरस, तो ये वायरस। अगला है आलू के, ये सोलेनम वायरस। अगला है आलू के तने एवं कंदों पर वाइटी वृद्धि से वाइट रोग पैदा हो जाता है, जिसका मुख्य कारक है सेंचेरिटियम एंडोबैक्टीरियम। अगला है सरसों में क्लब रूट रोग का मुख्य कारण है प्लाज्मोडोफोरा ब्राइसिस बोरो। वर्मीवास केंचुआ की धोवन जो पर्णीय छिटकाव एक तरल खाद के रूप में अधिकांशतः खेती में फसलों हेतु उपयोग की जाती है। पादप हार्मोन पाए जाते हैं तो ऑक्सिम एंड सीटोकिनिन। अगला एक्वारेजिया आयतन से 1:3 का किस किस का मिश्रण होता है, तो याद रखिए साइंड नाइट्रिक एसिड और शांत हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अगला ईसीजी किस अंग की गतिविधियां प्रदर्शित करता है, तो हृदय की। अगला एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिए एसिटिक सैलिसैलिक एसिड। अगला मोमबत्ती बनाने के लिए उपयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है, तो एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों। अगला लिटमस प्राप्त किया जाता है, तो लाइकेन से। अगला प्रकृति में सबसे सशक्त बल है, तो नाभिकीय बल। अगला है आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार कौन सदा एक समान रहता है, प्रकाश का वेग। अगला है किस उपग्रह से अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराई गई वस्तु उपग्रह की गति का अनुसरण करती रहती है। अगला है कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांध, कुछ रंगों के बीच भेद नहीं कर सकता। अगला है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ट्रॉम्बे मुंबई में। अगला है आलू के कंद में हरापन अर्थात हरा रंग किस तत्व की उपस्थिति में पैदा हो जाता है, यदि वे खेत में पौधे की जड़ों से बाहर मिट्टी से निकलते आए तो। सोलेनिन तत्व के बाद। अगला है प्याज में पीले रंग की उपस्थिति किस कारण देखी जाती है, क्वेरसिटिन तत्व के कारण। अगला है चने की हरी पत्तियों में खटास का कारण होता है, कैनिन मैलिक या ऑक्सिलिक एसिड की उपस्थिति के कारण। अगला है तिलहनों के तेल में पीला रंग किस उपस्थिति से होता है, तो कैरोटिनाइड। अगला है हल्दी में पीले रंग की उपस्थिति क्या दर्शाती है, कुरकुमिन तत्व बन जाना। अगला है आंवले के फलों में कसैलापन स्वाद किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है, टेनिन या एलोजिक या गैलिक या पॉलीफिनॉल। अगला है पपीतों के फलों में पीले रंग का कारण होता है, तो कैरिकाइजेंथिन पिगमेंट की उपस्थिति के कारण। अगला है बेल बेल के फलों में कड़वाहट का कारण है, तो मार्मेलोत्सिन तत्व की उपस्थिति। अगला है करेला की फलों में कड़वाहट किस तत्व की उपस्थिति के कारण पैदा होता है, याद रखिए मेमोडिकोसाइट या टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपाइन। अगला है टमाटर के फलों का रंग लाल रंग किस तत्व के कारण होता है, तो याद रखिए लाइकोपीन तत्व की उपस्थिति के कारण। अगला है बैक्टीरिया का प्रत्येक मिनट में 2 गुना विकास होता है तथा 1 घंटे में वह 1 कप को भर देता है, आधे कप को भरने में कितना समय लगता है, 59 मिनट। अगला है थायरोक्सिन क्या है, तो हार्मोन। अगला है ओजोन परत कहाँ स्थित है, तो समताप मंडल मंडल में। टेमेरिड में कौन सा अम्ल होता है, इमली में टाटेरिक अम्ल। अगला है मानव शरीर में संक्रमण रोकने में सहायक करने वाला विटामिन है, विटामिन डी। फिलास्टर ऑफ फेरिस का रासायनिक नाम है, तो हाइड्रस कैल्सी कैल्शियम सल्फेट। अगला है विटामिन ई का रासायनिक नाम है, टोकोफेरॉल। अगला है फसलों की कीट नियंत्रक में हरे रंग का छोटा ततैया जो 200 प्रकार के नुकसानदेह कीटों को खाकर जीवित रहता है और नियंत्रित करता है, उसे कहा जाता है ट्राइकोडर्मा। अगला एक जैविक फफूंद नाशी जिसका प्रयोग बीजोपचार, भूमि उपचार तथा खड़ी फसलों का पर्यायी छिड़काव में किया जाता है, घुलनशील पाउडर, उसे कहते हैं ट्राइकोग्रामा। अगला एक जैविक रसायन जो कपास, चना, मटर, अरहर, सोयाबीन, मसूर, मूंग, उड़द, लोबिया, ग्वार आदि फसलों में लगने वाली सुंडियों को नियंत्रित करता है, उसे पुकारा जाता है NPV, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रल वायरस।
अगला एक फफूंद नाशक उत्पाद जो पौधों फसलों में लगने वाली फफूंदी को नियंत्रित करता है, विवेरिया बेसियाना। अगला एक बैक्टीरियल पेस्टिसाइड जो फसलों में विभिन्न प्रकार के छेद करने वाले, काट कर कुतर कर खाने वाले कीटों को मार देता है, उसे कहते हैं बीटी बायो पेस्टिसाइड। अगला एक ऐसा कृषि उपकरण यंत्र जिसमें मादा कीट को रखा जाता है और उसके द्वारा नर पतंगों को पॉलीथिन की थैली में फंसा कर नियंत्रित किया जाता है, उसे पुकारा जाता है तो फेरोमैन टैप। अगला है गलकंड रोग से मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है, थायराइड। अगला है कौन सा कीट काला जार फैलाता है, सैंड फ्लाई। अगला है धातु की एक वर्गाकार प्लेट में वृत्ताकार छेद किया जाता है, गर्म करने पर छेद में क्या परिवर्तन होता है, बढ़ेगा। अगला है मोती मुख्यतः किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला है किस विशेषता के लिए ट्रांस जेनिक फसल गोल्डन राइस पैदा की गई है, तो याद रखिए विटामिन ए के लिए। अगला है पॉलीथीन के संश्लेषण में प्रयोग की जाती है, एथिलीन। अगला है किस पदार्थ को फेलोस्पार्स बोल कहते हैं, तो जिंक ऑक्साइड को। अगला है आरडीएक्स का अन्य नाम है साइक्लोनाइट। अगला है रासायनिक नाम हाइप्रो क्या है, तो सोडियम थायोसल्फेट। अगला है गेहूं की प्रजातियां पीडीडब्ल्यू 295, एचडी 4612, एचआई 8637 किस स्पीसीज के अंतर्गत आती हैं, तो कठिया किस्म की। अगला है किस घटना के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, तो याद रखिए अपवर्तन की क्रमिक घटना के कारण। अगला है हीमोग्लोबिन किसकी महत्वपूर्ण घटक होती है, तो लाल रक्त सेल्स की। अगला है दो तत्व कौन से हैं जो सर्वाधिक संख्या में यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो ये हाइड्रोजन और कार्बन। अगला है मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46। अगला है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य आधार घटक है ब्यूट्रेन। अगला है किस विटामिन की कमी से हेमरेज हो जाता है, तो विटामिन के की कमी से। अगला है एक हृदय धड़कन का समय कितना है, तो 0.8 सेकेंड। अगला है फिलास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है क्या है, टोकोफेरॉल। अगला है शरीर में ताप स्थाई को धारण करने वाली ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस। अगला है हीमोग्लोबिन पाई जाती है आरबीसी में। अगला है शक्कर को ग्लूकोज और फैक्टोज में हाइड्रोलाइज करने वाले किण्वक का नाम है इन्वर्टेज। अगला है ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है, तो ए तथा ओ का ग्रुप का। अगला है मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने वाले वाहक कौन है, तो रुधिर। अगला है मलेरिया परजीवी क्या है, तो याद रखिए प्लेज्मोडियम वाई वैक्स। अगला एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है, 8 बिट्स के। अगला है सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन डी। अगला है चांदी का कौन सा यौगिक फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, तो याद रखिए सिल्वर ब्रोमाइड। अगला है हीरा ग्रेफाइट किसका प्रारूप है, कार्बन का। अगला है एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, कीटों का। अगला है पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किस विषय से है, तो वातावरण से। अगला है हमारा जेनेटिक्स में किसका अध्ययन होता है, तो अनुवांशिक अनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का। अगला है पृथ्वी की भ्रमण गति है, तो याद रखिए 28 किलोमीटर प्रति मिनट। अगला है 1 किलोग्राम पदार्थ के तुल्य ऊर्जा किस क्रम की होती है, तो 1017 जूल, 1017 जूल। अगला है विद्युत की वह मात्रा जिसमें 108 ग्राम सिल्वर के थोड़ पर एकत्रित होता है, क्या कहलाता है, एक फेराडे। अगला है हमारा किस हीनता के कारण तिलाग्या रोग होता है, तो याद रखिए पेंटोथेनिक एसिड। अगला है अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो याद रखिए मस्तिष्क। अगला है अनुवांशिकी के जनक किन्हें माना जाता है, तो याद है करिए जे हैं जे जे जी जे मेंडल को। अगला है हमारा पाइरोमीटर का प्रयोग किस मापन के लिए किया जाता है, उच्च तापमान के मापन के लिए। अगला है वायुमंडल की सबसे नीचे परत कहलाती है जो मंडल। अगला है मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं, ई इस्कीमिया। अगला है बीसीजी किस बीमारी का प्रतिरक्षण करता है, तो क्षय रोग या टीबी का। अगला